Shiva, 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 Shi
अभिषेक अहम करिष्ये कारयिष्ये ओम माजाग्रतो ओम भूर्वासागं गणपतये नमः गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुनः आप लोग बिल्व पत्र ले लीजिए अपने हाथ में और जो आपके समक्ष में भोलेनाथ विराजमान है उनका स्पर्श आपको करना है। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र सिद्धो नमः शिरसि ओम ऋग्यम कीलकाय नमः सर्वांगे सूत। अब हम इस प्रतिमा में साक्षात भोलेनाथ जी का आवाहन करम यम रम लम वम सम सम हंसः शोभम शिवस्य सर्वे इंद्रियाणि वांग मनस्वक्षक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायुपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन् दुःस्वाहा। जो हम लोग आप सब भोलेनाथ को दूध दही और घी से स्नान कराया है तो कहते हैं यदि कोई श्रावण मास में दूध से या दही से घी से शहद से और मधु से स्नान कराते हैं तो जीवन की जो समस्त आदि व्याधि जो भी संकट होते हैं वो भोलेनाथ की आशीर्वाद से सब कट जाते हैं। अब उसके बाद शहद यानी मधु से स्नान कराना है।
हिंदुस्तान के हर राज्य के हर कोने में पहुंचा, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं हमारे नरेंद्र जी मोदी तक भी वो समृद्धि भरा कलश भारत विश्व गुरु बने और भारत समृद्धवान बने, ऐसे भाव के साथ गुरुदेव का वो कलश जो है प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचा, हर मंत्री जी तक पहुंचा और संपूर्ण समृद्धि संपूर्ण भारत का विकास हो, ऐसा भाव कोई अगर कर रखने वाले हैं तो हमारे राष्ट्रसंत यदिवरीय डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा का सानिध्य और बसंत विजय जी महाराजा की कृपा ही है। दरबार की जय, बोल वचन सिद्ध गुरुदेव की जय। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। एक लाइन सभी मिलकर जो जो अपनी बात गुरुदेव तक पहुंचाना चाहते हैं। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो बोल साचे दरबार की, बोल वचन से बोल। मंगलम ओंकार मंगलम पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम, पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम। प्रार्थना के साथ आज हम कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। बोलो भोलेनाथ महाराज की। करने वालों को शक्ति दिखाते हैं ये भगवान है। कई लोग कहते हैं मेरे पास गुरुदेव एक बार पद्मावती माता अपना चमत्कार दिखा दे फिर मैं कृष्णगिरी आऊंगा। मैं बोलता हूँ पूरा धरती बनाने वाली है वो माँ, पूरा संसार बनाई, उसके पास ऐसी कोई चीज बाकी नहीं जब तू जाके उसका पूरा करेगा। वो तू नतमस्तक होगा तब अपनी शक्ति दिखाएगी, शक्ति दिखा के तेरे से क्या लेने वाला। वो कहें कि शक्ति दिखाएं तो मैं भक्ति करूंगा, ये इतने कमजोर नहीं है कि आपके भक्ति के भूखे हैं। आप शक्ति के भूखे हो तो आप भक्ति करना शुरू करो, वो भूखे नहीं। इस ब्रह्मांड में जिस दिन को हम वार कहते हैं, आज क्या वार कहते हो आप लोग? कई लोग बृहस्पति वार कहते हैं, कई लोग गुरुवार कहते हैं, और भी कहते हैं क्या कुछ, क्या वीर वीरवार यहां कहते होंगे, वीरवार जैसे भी कहते हो समझो। आपको एक बात बताता हूं अच्छे से आप सुन लीजिए, आपको बहुत काम की चीज है। सूर्य उदय होता है तो इस सूर्य के बाकी ग्रह घूमते हैं, समझ रहे हैं?
पृथ्वी सूर्य को घूमता है और खुद भी घूमता है, यानी सूर्य को ऐसे घूमता है, खुद भी घूमते घूमते सूर्य को भी घूमता, खुद भी उल्टा सीधा होता है, पृथ्वी खुद भी ऐसे घूमता है लेकिन सूर्य को भी ऐसे घूमता है। जिस दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसी को हम उस दिन का बार मानते हैं। इसको इंग्लिश में होरा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HORA, होरा। हिंदी में होरा बोलते हैं, इंग्लिश में होरा नहीं बोलते। मैं बोला इंग्लिश में होरा बोलते हैं तो तुरंत सर मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, कुछ भी बोलो सिर लाओ। ये होरा से ही अंग्रेजियों ने हवर बनाया, HOUR, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour बोलते ना, ये हवर शब्द होरा से आया। होरा उस दिन के बार के सूर्योदय के समय से होरा शुरू होता है। आज बृहस्पति बार है तो सूर्योदय के समय बृहस्पति होरा ही शुरू होगा। हमारा शास्त्र कहता है कि जो होरा को जान लिया वो हीरो बन जाता है। कोई भी होरा जान गया कि ये होरा में ये काम करना, तो आज क्यों पीला वस्त्र पहनने कहा? जो बृहस्पति ग्रह को गूगल में चेक करो, बृहस्पति गुरु ग्रह को गूगल में चेक करो, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षि ने बता दिया कि गुरु ग्रह पीला है। अब नासा में अमेरिका के साइंटिस्टों ने गुरु ग्रह तक सैटेलाइट भेज के अब कुछ वर्षों पहले बताया कि गुरु ग्रह पीला है। उसको हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले बता दिया कि गुरु ग्रह पीला है। ये लोग तर्क कुतर्क करने वाले हैं, इसलिए वहां से फोटो आता है तो ही भरोसा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान भी देख के जान लेते थे कि वो माँ ऐसा है, ये माँ ऐसा। क्या हमारे ऋषि मुनि कभी गुरु ग्रह में गए? यहाँ बैठ के ध्यान में देखते हैं उनका। गुरु की तरंगों को ये कपड़ा खींचने में सहयोग करता है, इसलिए उस दिन वो रंग का कपड़ा होगा। वो तरंग हम पर आता है, विभिन्न तरंग। गुरु का तरंग आने से गुरु स्तुति में शास्त्र में कहा है तो भगवान का एक विशेष मार्गदर्शन मिलता है। देखो आप कई बार दुखी हुए तो गलत काम करके दुखी हुए, बाद में पछताते हो कि ये गलत हो गया, मेरे से ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये धंधा नहीं करना चाहिए था, ये मकान नहीं खरीदना चाहिए था, ये फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए था, ये गहना नहीं खरीदना चाहिए था, ये चीज उसको उधारी नहीं देनी चाहिए थी। कब याद आता है? जिसका बृहस्पति बलवान होगा बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तू सही काम कर रहा है या नहीं, अवचेतन मन से उसको मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अंदर से ज्ञान मिलेगा कि ये काम नहीं करने जैसा है, ये काम करने जैसा है। समझ रहे हो? आंगिरा कौन? ऐसे तीन पुत्र हुए, आंगिरा के पुत्र हुए आंगिरस। कौन हुए? आंगिरस। आंगिरस जन्म से शिव भक्त थे, ब्रह्मा के पौत्र, ब्रह्मा के पुत्र आंगिरा, उनके बेटे आंगिरस ब्रह्मा के क्या हुए? पौत्र हुए जी भगवान। ये जन्म से ही शिव भक्त थे, शिव भक्ति में सदा लीन रहते थे, शिव भक्ति अच्छा लगता उनको, बड़े भक्ति में रहते। उनको लगा कि ये भक्ति कमजोर है जो यहाँ बैठ के करता हूँ, मुझे भूलोक में जाना चाहिए, भूलोक में भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि भूलोक में ऐसी कौन सी जगह है जिसको शंकर कभी छोड़ते नहीं और शंकर को अति प्यारा है? अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन क्षेत्र, जहाँ जहाँ सदा आनंद में रहते हैं भगवान। आंगिरस को लगा कि ये काशी ही ऐसा क्षेत्र है जहां शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और जिस जगह को कभी नहीं छोड़ने का उन्होंने प्रण लिया है। कौन सी जगह है? अर्धामिकेशमणिशंकरविभक्तभूषणमुकुटं प्रणमामि रूपम्।
बंधन कर रहे हो ना आप लोग, भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है बंधन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम। बंधन करने से हम बंधन खुद कर रहे हैं, हमारे बंधन से हमको तुष्टि मिलती है। वंदे बंधन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम सत्यम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुदम स्वकीय कृपयो पादाकृतिम शंकर। भगवान को आपका वंदन प्रिय है, आप सत्यमय जीवन जीवो। सत्यम सत्यमयम सत्यदम, भक्ति करने वाले को सत्यमय जीवन देने वाले शंकर भगवान है। अन्य देवता मांगो जो देते हैं, शंकर आप मांगो जो भी देते हैं और आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, ये उत्तमता भी देते हैं। ये शंकर जी की विशेषता और ये शंकर भगवान की। आपको शंकर उत्तमता देते हैं, समझ रहे हैं? तो भगवान शंकर की पूजा कौन कर रहे हैं मैंने बताया, कौन कर रहे हैं? कौन? आंगिरस ऋषि। किस जगह पर कर रहे हैं? काशी में। ऐसे काशी में जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। क्या है? देखो उत्तर दिशा मुक्ति की दिशा है, शंकर उत्तर में है। उत्तर से ही हिमालय से निकल के आने वाली गंगा पश्चिम की बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मुखी होती है। बीच में सिर्फ काशी में ही वापस जिस दिशा में आई उसी तरफ में मुड़ के जाती है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री स्वरूप योगीराज परम पूज्य राज संत यदि भैया डॉक्टर बसंती देवी महाराजा की जय। अब ऐसी काशी में बैठ करके आंगिरस ऋषि ने 10,000 वर्ष तक शिव पूजा किया। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष। अब देखो एक दो घंटे में अपना कमर दुखने लगता है, महाराज चेयर डाल देते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा आराम से बैठते। भाई चेयर में बैठता तो अदर अदर बैठता, धरती माँ की गोद में बैठा है तो उसकी शक्ति घर लेके जाएगा। इसी धरती में सोना है, इसी धरती में हीरा है, इसी धरती में चांदी है, इसी धरती में प्रभाव है। जब ये धरती को शरीर लगा के बैठेगा तो उसकी शक्ति जब तेरे मूलाधार चक्र में चढ़ जाएगी, तुझमें भी सोना चांदी हीरा पन्ना भक्ति शक्ति सब खींचने का ताकत आ जाएगा। भगवान विश्वनाथ ने उन्होंने अपना लिंग बनाया बेटा जी, उन्होंने विश्वनाथ का नहीं किया साधना, उन्होंने खुद का एक शिवलिंग निर्मित किया, उसकी साधना की। दिनों दिन साधना उग्र होती गई। पहले 3 टाइम खाते थे, 1,000 वर्ष बाद 2 टाइम कर दिया, 2,000 वर्ष बाद 1 टाइम कर दिया, 3,000 वर्ष बाद 1 टाइम भी नहीं खाए, फल रस पर लगने लगे। जब 4,000 वर्ष पूरे हो गए, फल भी छोड़ दिया, रस भी छोड़ दिया, जल पर टिकने लगे। जब 5,000 वर्ष तपस्या के पूरे हुए, जल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, हवा पर टिकने लगे। जब 10,000 का वर्ष आया, नाक को बंद कर लिया, हवा लेना भी बंद करके कुंभक पर जब आए, शंकर जी का कैलाश कंपायमान होने लगा। शंकर जी अति प्रसन्न हुए, काशी में उस आंगिरस के बनाए शिवलिंग में प्रवेश करके थे कैलाश में, शिवलिंग से प्रकट हुए। शिवलिंग से प्रकट होके बोलते हैं, हे आंगिरा पुत्र आंगिरस, तूने बहुत बड़ा बृहत तप किया है। क्या किया है? बृहत यानी बड़ा। तप में तू सबका पति है, लक्ष्मी के पति। विष्णु को हम लक्ष्मीपति कहते हैं ना, लक्ष्मीपति। ऐसे भगवान ने बोला तू तप का पति है, तू तप बहुत बड़ा किया। बड़ा बृहद तप करने से मैं आज तुझे वरदान देता हूँ, पूरी दुनिया आज से तुझे बृहस्पति के नाम से जानेगी। इस नाम से जानेगी बृहस्पति। और तू आज से मेरे आशीर्वाद से ग्रहों में एक बनेगा। और ब्रह्मा को आदेश देता हूँ,
कि देवताओं के तुम गुरु बनोगे, इन देवलोक में तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, सभी देवता तुम्हारे चरण में नतमस्तक होंगे। और काशी में जिस शिवलिंग को तुमने स्थापना किया है, इस शिवलिंग को बृहस्पति ईश्वर के रूप में पूरी दुनिया आके काशी में पूजा करेगी। जो बृहस्पति ईश्वर की सोमवार में सावन के दिन अगर कोई दर्शन कर लेगा, मूड से मूड प्राणी हो तो ज्ञान आ जाएगा, दरिद्र से दरिद्र प्राणी हो तो धन आ जाएगा, इतनी शक्ति शंकर जी को कहते हैं कि शंकर जी आपके पुराण में तो लिखा है कि गूगल डालने से आपका दर्शन होता है, भले कभी भी हो मैं रोज गूगल डालूंगा आपके मंदिर में आके। एकदम बारी गूगल खरीदा, महंगा वाला, आज भी गूगल बहुत महंगा है, गूगल इतना सस्ता नहीं मिलता, असली गूगल हजारों रुपयों किलो में होता है।